back. I'm Priya and you're watching Priya Vlogs. कुछ दिनों पहले एक शॉपिंग ब्लॉग के अंदर आप लोगों के साथ शेयर किया था मैंने एक मेबलिन का बैग जिसके अंदर सारे मेबलिन के प्रोडक्ट्स थे एंड मैंने आपको बताया था कि इसके लिए मैं एक अलग हॉल वीडियो बनाऊंगी एंड आज वही वीडियो है मेबलिन हॉल वीडियो. तो सारे प्रोडक्ट्स मैंने मेबलिन से ही लिए हुए हैं एंड ये सारे प्रोडक्ट्स मैंने शॉपर स्टॉप से खरीदे है. ये स्पॉन्सरशिप वीडियो बिल्कुल भी नहीं है ना मुझे प्रमोशन के लिए भेजे गए, ये मैंने सारे प्रोडक्ट्स खुद खरीदे हैं एंड आई लव मेबलिन. तो मैंने सोचा इस बार सारे प्रोडक्ट्स मेबलिन के लिए जाए. सो मेरे पास और डिफरेंट ब्रांड्स के हैं बट दिस टाइम मैंने सारी चीजें मेबलिन से ली है और मैं आपको सारी चीजें बताऊंगी एक के बाद एक और उसके साथ साथ वो कौन से शेप की है उसके प्राइजेस. तो प्राइजेस आपको स्क्रीन के ऊपर दिख जाएगी नीचे, अदरवाइज आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके भी चेक कर सकते हैं एंड इफ पॉसिबल अगर मुझे किसी साइट पे ये प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं तो मैं उसके लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगी, तो आप वहां जाके उसकी प्राइसेस चेक कर सकते हैं अगर उस पर डिस्काउंट है नहीं है, वो सारी चीजें आप चेक कर सकते हैं. तो अभी के लिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो. सो ये है वो बैग जिसके अंदर सारे प्रोडक्ट्स आए हैं और ये बैग इन सारे प्रोडक्ट्स को खरीदने के बाद मुझे फ्री में मिली है, तो मैं आपको एक एक करके वो सारी चीजें दिखाती हूँ. सो ये है फर्स्ट प्रोडक्ट एंड इट्स अ मेबलिन ड्रीम स्टेन स्किन 2A केक. उसका SPF है 32 एंड PA++ है ये और इसका जो शेड है वो है PO3 सैंडी ब्राउन और इट्स सूटेबल फॉर एशियन स्किन टोन. मैं आपको खोल के दिखाती हूँ कि कैसा दिखता है. सो इसका पैकेजिंग कुछ इस तरह से है एंड जैसे ही ओपन करते हैं तो सामने की साइड है ये मिरर और एक स्पंज. सो अभी मैं आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ. इस पे लिखा हुआ है दैट इट्स लाइट वेटेड, सो आई विल शो यू. एंड सीरियसली लाइट वेट प्लस काफी स्मूथ है ये. सो ये है फर्स्ट वाली. सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस वन. इट्स अ मेबलिन इंस्टेंट रिवाइंड इरेज डार्क सर्कल ट्रीटमेंट कंसीलर और इसका जो शेड है वो है मीडियम शेड. इसके ऊपर कुछ इस तरह से कैप है एंड इसे जस्ट रोटेट करना है एंड अप्लाई करना है, तो मैं आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ. सो बहुत ही इजी है अप्लाई करना एंड काफी लाइट वेटेड है, लगाने के बाद इतना फील नहीं होता है. और सबसे ज्यादा जो कंसीलर रहते हैं कई बार इतने हैवी रहते हैं दैट इट फील्स लगाने के बाद में थोड़ा थोड़ा हैवी, बट इट इज सो लाइट वेटेड एंड काफी अच्छा है ये. और मुझे काफी टाइम से चाहिए था बट मैं श्योर नहीं थी कि मेरे पे शेड कौन सा जाएगा, इसलिए मैं चाहती थी कि मैं इसे स्टोर पे जाके खुद खरीदूं देख के चेक करके. सो ये काफी अच्छे से सूट करता है मेरे स्किन टोन को. और जो शेड है वो है मीडियम. सेकेंड मैंने ये वाला लिया. उसके बाद में लिया है मैंने ये मस्करा. इट्स अ मेबलिन लैश सेंसेशनल मस्करा एंड इट्स वाटरप्रूफ और अभी मैंने वही अप्लाई की है एंड इट्स टू गुड. तो मुझे ये वाली भी बहुत ही अच्छी लगी. उसके बाद में मैंने लिया है ये. इट्स अ मास्टर क्रो मेटलिक हाइलाइटर और ये अंदर से कुछ ऐसा दिखता है. सो मैंने इसे टू टाइम्स यूज कर लिया है ऑलरेडी एंड इट्स टू गुड. ये भी काफी लाइट वेटेड है और सारे प्रोडक्ट्स जितने भी मैंने आज लिए हैं वो सारे प्रोडक्ट्स इतने लाइट वेटेड है कि अप्लाई करने के बाद में इतना ज्यादा फील नहीं होता है कि आप इतना मेकअप लगाकर घूम रहे हो. सो दिस वन इज ऑल्सो गुड और मैंने इसके बारे में भी काफी सुना था और इसके रिव्यूज पढ़े थे ऑनलाइन, मुझे काफी अच्छा लगा था एंड मैं इसलिए लेकर आ गई इसको. सो नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस वन एंड इट्स अ मेबलिन सुपर कुशन अल्ट्रा कवर कुशन. सो ये है फाउंडेशन एंड इट्स सो लाइट वेटेड और ये थोड़ा सा वेट फॉर्म में है और इसका SPF है 50 एंड PA++ और इसका जो टोन है वो है सैंड बीज एंड इट्स टू गुड. मैं आपको दिखाती हूँ उसका पैकेजिंग. सो उसका पैकेजिंग भी काफी कूल है. सो दिस इज द पैकेजिंग एंड इसके अंदर एक कुशन आता है, नीचे आपको ओपन करना है. सो दिस इज द वन. सिर्फ यहाँ पे आपको टैप करके और फिर अप्लाई करना है ये. सो ये वेट फॉर्म में है एंड बहुत ही ज्यादा मतलब थिक नहीं है, काफी थिन है ये और उसी वजह से ये काफी लाइट वेटेड फील होता है. सो इसे आप एवरीडे ऑफिस वेयर में या फिर एवरीडे मेकअप वेयर में आप इसे यूज कर सकते हैं. इट्स सो गुड. सो नेक्स्ट मैंने ये लिया है. उसके बाद में ली है मैंने ये लिपस्टिक एंड इट्स अ बेरी बॉसी लिपस्टिक और ऐसा शेड मेरे पास नहीं था. सो ये है उसका शेड, मैं आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ. सो इट्स अ डार्क शेड
बट ऐसे टाइप का शेड मुझे बहुत टाइम से चाहिए था और काफी रिच लुक देता है ये. एंड बिलीव मी इसे अप्लाई करने के बाद में काफी टाइम तक लास्ट करता है क्योंकि इसके मैंने जो डिफरेंट कलर्स जो शेड थे मैंने वहां पे ट्राई किए थे एंड जब उन्होंने रिमूव किया विद द हेल्प ऑफ रिमूवर उसके बाद में भी काफी मतलब जो कलर था वो शो हो रहा था. दैट मीन्स आप सोचो कि रिमूवर की हेल्प से निकाला फिर भी वो वहां पे था, मतलब दिख रहा था क्लियरली कि यहाँ पे मैंने कुछ अप्लाई करके रखा हुआ है. सो ये इसका जो शेड मुझे ये वाला काफी टाइम से चाहिए था तो मैंने ये वाला ले लिया. एंड देखिए पीछे से आपको दिखेगा सो कुछ शेड इस तरह से है. सो ये है सेकेंड लास्ट एंड दिस इज द लास्ट प्रोडक्ट और इसे अभी तक मैंने ओपन भी नहीं किया है. सो इट्स अ देख लीजिए सो इट्स अ मेबलिन हाइपर इंपैक्ट लाइनर एंड इट्स फुली वाटरप्रूफ. तो अभी मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ कि ये कैसी है एंड थोड़ा सा एक स्ट्रोक लगा के दिखाती हूँ आपको. सो अभी भी जो मैंने लगाई है वो भी मेबलिन की ही है बट वो ये वाली रेंज नहीं है, वो थोड़ी डिफरेंट रेंज में है. तो अभी मैं इसका एक स्ट्रोक लगाकर आपको दिखाती हूँ. सो उसकी जो पॉइंट है वो काफी थिन है आगे से एंड दिस इज द स्ट्रोक एंड एज यू कैन सी मैं यहाँ पे रब कर रही हूँ बट वो रिमूव नहीं हो रही है. इट्स दैट गुड और इंस्टेंटली वो ड्राई हो चुकी है. सो ये था लास्ट प्रोडक्ट और इसी के साथ जो मेरा हॉल है वो फिनिश होता है. और मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए कि आपको इसका मेकअप वीडियो देखना है, लाइक मैं ये सारे प्रोडक्ट्स यूज करके एक लुक क्रिएट करूंगी. अगर आप वो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं. अगर रिक्वेस्ट ज्यादा रहेगी तो मैं उसके ऊपर एक जरूर वीडियो बनाऊंगी. सो मुझे कमेंट सेक्शन में वो भी बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, मेरे प्रोडक्ट्स कैसे लगे. सो सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय एंड टेक केयर.